वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 12 का जो रिजल्ट बनने जा रहा है उसके बारे में हमने पार्ट वन पार्ट टू बना लिया है। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप पहले पिक्चर क्वालिटी जो है उसको चेंज कर देंगे, जिससे मैं आपको यहाँ पे जो समझाने जा रहा है वो आपको अच्छे से समझा सकूँ और आपको अच्छे से वो स्क्रीन पर दिखाई दे। ओके, तो पार्ट वन में हमने स्टैंडर्ड 11th का देखा था कि किस तरह से रिजल्ट बनाते हैं, उसमें 50 मार्क्स में से किस तरह से जो है सेम टर्म टू जो था टर्म वन जो था उनका हमने एवरेज लिया था, फिर उसका 50% किया था, ठीक है, उस तरह से उसका रिजल्ट बना था। फिर दूसरे पार्ट में जो आया था वो स्टैंडर्ड 12th का आया था, जिसमें हमने टर्म वन की एग्ज़ाम ली थी, यूनिट टेस्ट लिया था, फिर उसका टोटल किया था, फिर उसका 20% काउंट किया था, ठीक है। और फिर जो आ रहा है मेन, जो जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सभी टीचर्स को भी कन्फ्यूज़न है, वो है स्टैंडर्ड 10th, ठीक है। तो 10th का रिजल्ट जो है मैं आपके सामने यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है आपको वो बताने जा रहा हूँ। ओके, उसमें देखते हैं किस तरह से रिजल्ट बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टोटल जो है ये 10th का स्टैंडर्ड 12th का रिजल्ट जो है 10th की मार्कशीट से बनाया हुआ है। तो उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज, जो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 10th में जो उसके मार्क्स थे बच्चे के 70 में से मार्क्स काउंट किए गए, तो उसमें से उनका 71% जो है हमें निकाल देना है। तो कैसे निकला गया उसका भी मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। 26 को आपको जो है 71.43% से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपका वो डायरेक्टली आंसर 19 निकल जाएगा, ठीक है। अगर वो आंसर है 18.5 आ रहा है या 18.6 आ रहा है तो आपको 19 कंसीडर कर लेना है, क्या कर लेना है, 19 कंसीडर कर लेना, राउंडिंग कर देना है। तो इस तरह से जैसे 39 है तो 39 का मल्टीप्लाई हम 71.43% से कर देंगे तो उसका 28 आंसर निकल जाएगा। वैसे जो है वो स्टैंडर्ड जो 10th के जो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज के जो मार्क्स है उसी को हमने इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड 12th में काउंट होगा। सेम टू सेम हम दूसरे एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं जो सेम टू सेम उसी तरह से होने वाला है, वो है हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में भी क्या करना है कि डायरेक्टली उसका रिजल्ट जो है वो बन जाएगा। हिंदी में आपके जो 10th में मार्क्स थे 70 में से वो मैंने यहाँ पे लिख दिए थे स्टूडेंट के, और उसमें से जो मार्क्स आए उसके 50 मतलब कि जो 50% उसका काउंट करना है आउट ऑफ जो 71.43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 34 का हमें 71.43% से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा वो कितना होगा 24, तो 24 जो आंसर निकला वो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर। तो इस तरह से हिंदी सेकंड लैंग्वेज जो है वो उसका मार्क्स भी हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड 10th के मार्क्स जो है 12th में काउंट कर सकते हैं। सेम टू सेम जो है अब आ रहा है नेक्स्ट, ये ग्रुप वन था। ग्रुप वन में ऑलरेडी दो ही सब्जेक्ट थे हमें, हिंदी सेकेंड लैंग्वेज और जो इंग्लिश था उसी को हमने कंसिडर किया था। और ग्रुप टू में एक और भी सब्जेक्ट था जो है गुजराती सेकेंड लैंग्वेज, तो उसमें गुजराती के जो आपके 10th के मार्क्स जो थे उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है 70 में से जो मार्क्स थे, ठीक है, और उसमें से जो मार्क्स आपको उसका 71.43% आप निकालोगे तो वो सभी मार्क्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गुजराती सेकेंड लैंग्वेज के मार्क्स जो है वो स्टैंडर्ड 10th के सेकेंड लैंग्वेज से आपको डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, वही आपके फाइनल मार्क्स किस में से हो गए आउट ऑफ 50 में से आपके मार्क्स आपको इतने उसमें देने हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में फाइनल में, ठीक है। तो ये तीन सब्जेक्ट अपने क्लियर हो गए। अब हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो ग्रुप थ्री में थे। तो ग्रुप थ्री में जो है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि अकाउंट है, OCM है, उसके मार्क्स हम काउंट कर सकते हैं, वो सभी का नॉर्मल होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीन सब्जेक्ट का एवरेज लेना है। कौन कौन से, तो एक तो सोशल साइंस, फिर नेक्स्ट है। तो ग्रुप थ्री में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसमें अकाउंट का हम पहले काउंट करेंगे, तो उसके लिए हमें एवरेज जो है सोशल साइंस साइंस और थर्ड लैंग्वेज जो होगी उनका हमें प्लस कर लेना है तीनों के मार्क्स का और उसका एवरेज निकाल देना है। तो मैंने क्या किया, तीनों का जो मार्क्स थे उसके एवरेज कर लिए, 32 मार्क्स उसके हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसके मार्क्स भी लिखे हुए सभी सब्जेक्ट में। जैसे कि सोशल साइंस में उसके मार्क्स आए हैं यहाँ पे, देखो मैंने ऑलरेडी लिखे, आपको बता देता हूँ कहाँ पे लिखे, सोशल साइंस साइंस मैथ्स गुजराती मिक्स और सोशल साइंस, ये रहा 30 मार्क्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए ऑलरेडी, ठीक है। फिर साइंस के मार्क्स जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और तीसरा जो बता देता हूँ आपको कि कहाँ पे लिखे, थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज मतलब जो ये बच्चा है वो मानो कि उसका हिंदी जो है वो मेन था और गुजराती उसको ले रहा है, तो गुजराती उसका मतलब गुजराती मेन था और हिंदी ले रहा, तो उसकी थर्ड लैंग्वेज जो है वो क्या बनेगी, हिंदी बनेगी। तो हिंदी के मार्क्स मैंने उसके एवरेज के लिए हुए वो थर्ड लैंग्वेज उसकी बन जाएगी, उसका एवरेज मैंने निकाला तो कितना आ रहा है, एवरेज उसका आ रहा है टोटल
वो एवरेज मैंने यहाँ पे लिखा है 32, ठीक है। तो 32 जो है उसका एवरेज है 32 उसका। अब हमें क्या करना है, ये जो मार्क्स आए उसके 32 उसका 71.43% निकालेंगे, वही अपने अकाउंट के मार्क्स कंसीडर हो गए। तो 23 मार्क्स जो है उसके अकाउंट के बन रहे हैं। वैसे सेम टू सेम मार्क्स जो है उसके OCM में भी अकाउंट हो गए 23 मार्क्स, इसमें 23 तो इस तरह इसमें भी 23, इस तरह से 41 जो है उसके एवरेज होगा। तो उसका 71.43% निकालेंगे तो वो दूसरे सब्जेक्ट जो है OCM में भी दूसरा बच्चा जो होगा उसके भी हम मार्क्स इस तरह काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सभी बच्चे का अकाउंट और OCM सब्जेक्ट का रिजल्ट बन जाएगा। ये हो गया ग्रुप थ्री जो था, जूथ थ्री जो लिखा था वैसे उसी के हिसाब से हमने इसको कन्वर्ट किया। फिर ग्रुप फोर जो आ रहा है उसमें इको स्टेटिस्टिक और कंप्यूटर थियोरी इनके मार्क्स काउंट करने हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, तीन सब्जेक्ट का एवरेज निकालना है, सोशल साइंस साइंस और दूसरा है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है, मतलब जो स्टूडेंट जो होगा उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी उनका एवरेज लेना है। तो मेरा एवरेज यहाँ पे 26 आ रहा था, फिर मैंने उसका 71% काउंट किया तो मुझे कंप्यूटर थियोरी स्टेट और इकोनॉमिक्स में मैंने उसके मार्क्स काउंट कर दिए। उस तरह से दूसरा बच्चा था उसका एवरेज आ रहा था 38, ठीक है। तो उसका मैंने 38 के हिसाब से अगर 71.43% निकाला तो उसका इकोनॉमिक्स स्टेट और कंप्यूटर का मार्क्स जो है वो मुझे मिल गया, 27 उसका आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इकोनॉमिक्स स्टेट कंप्यूटर का जो है रिजल्ट बना सकते हैं। अब जो मेन कंफ्यूजन जो होता है वो ये कंप्यूटर के प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है उसमें ग्रेड देना है, तो ग्रेड कैसे देंगे, तो उसमें 11th और 12th के जो उसके ग्रेड आए होंगे 50 में से जो मार्क्स हो गए, हमने 50 मार्क्स की जो एग्जाम ली होगी प्रैक्टिकल की, तो उसके हिसाब से जो उसके स्कोर होगा उसका, ये जो है कंप्यूटर थियोरी के जो ग्रेड है 10th के ग्रेड है। अब मैं आपको उसके स्टैंडर्ड 12th में जो है स्टैंडर्ड 12th में उसके कंप्यूटर के ग्रेड कैसे काउंट करके उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये मैंने फाइनल रिजल्ट बना दिया, तो उसमें कंप्यूटर प्रैक्टिकल के मार्क्स मैंने यहाँ पे जो है उसके ग्रेड यहाँ पे दिए हुए, तो वो जो मैंने 50 मार्क्स की एग्ज़ाम हमने जो क्लास 11th में और क्लास 12th में जो ली थी उसी के बेसिस पे ये मार्क्स काउंट किए गए, ठीक है। 50 मार्क्स में से जो भी बच्चे का स्कोर बनेगा उसके हिसाब से हमें प्रैक्टिकल के मार्क्स काउंट करने हैं। जैसे कि किसी के सपोज जो है 45 के बीच में आ रहे तो उनका ग्रेड क्या बन जाएगा, A2 बन जाएगा। 45 से ज़्यादा होगा तो उसका ये A1 बन जाएगा, ठीक है। उस तरह से उसके मार्क्स मैंने कंप्यूटर प्रैक्टिकल में काउंट किए हैं। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट जो है हम ये सभी टोटल रिजल्ट बना के 10th का 12th का अलग अलग रिजल्ट बना के, ठीक है, इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट जो है हम क्लियर कर सकते हैं और एक फाइनल रिजल्ट जो है वो बना सकते हैं, उसके परसेंटेज भी निकाल सकते हैं और यही हमें 100 मार्क्स जो रहेगा बोर्ड का उसमें हमें अपलोड करना है। टोटली मैंने आपको क्लास 10th के मार्क्स कैसे काउंट करने हैं, सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से आपको मार्क्स काउंट करने पड़ेंगे। तीसरी लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे होगा कि अगर जो पर्सन है उसकी पहले गुजराती थी और उसने संस्कृत है उसकी थर्ड लैंग्वेज हो सकती है, संस्कृत ना होगी तो उसकी हिंदी हो सकती है, वो थर्ड लैंग्वेज के फॉर्म में वो उसके मार्क्स हमें एवरेज में लेने थे, वो भी मैंने 10th का फॉर्मूला को बता दिया। स्टैंडर्ड 11th का कैसे काउंट करना था वो मैंने पार्ट वन में बताया था, स्टैंडर्ड 12th का कैसे काउंट करना था पार्ट टू में बताया था, और स्टैंडर्ड 10th का कैसे काउंट करना है वो मैंने आपको पार्ट थ्री में एक्सप्लेन कर दिया, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल एवरेज जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जो बनेगा, फाइनल मार्क्स जो तैयार होगी बच्चों की, ठीक है, ये 6 बच्चे का रिजल्ट था तो मैंने 6 बच्चों का रिजल्ट इस तरह बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप सभी बच्चे जो है वो उसका काउंट आप कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपने पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री अगर नहीं देखा होगा तो आप उसमें देख लेना, उसमें पार्ट थ्री पार्ट टू और पार्ट वन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, तो मैं उसका सॉल्यूशन देने की ट्राई करूँगा। जितना हो सके उतना हमें सही रिजल्ट जो है वो कैसे बनाना है, वो हमें टोटल फॉर्मूलाज जो है वो कैसे काउंट करनी है, उसमें जो 10th के मार्क्स काउंट करेंगे तो ग्रेस वाले मार्क्स नहीं लिखने हैं आपको, ये बात याद रखनी है, 70 में से ही काउंट करना है, दूसरी बात वो भी याद रखनी है, 100 में से काउंट नहीं करना है। जैसे बहुत सारे पॉइंट है जो हम कंसिडर किए गए हैं, राउंडिंग कैसे करना है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एवरेज कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई मतलब गुणांक में कैसे हम लेते हैं जो हमने सीखा है, मल्टीपल कैसे करेंगे, 125 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 100 मार्क्स को कैसे 125 में करेंगे, वो पता होना ज़रूरी है। 50 मार्क्स जो है वैसे उसमें लिखा था वो इतना ईजी था, लेकिन जब रिजल्ट बनाते हैं तो पता चलता है कि वो बहुत ही टफ काम है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल ये रिजल्ट बनेगा। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू ऑल।